सुखदेव शेखावत पर गोगा मेड़ी ग्रुप का हमला। सुखदेव गोगा मेड़ी की पत्नी शिव शेखावत पर दहाड़ी। मकराना पर हुआ हमला तो एकजुट हुई करनी सेना। शीला शेखावत ने शिव शेखावत को दे दी चेतावनी। राजस्थान में जैसे ही श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना पर हमले की खबर सामने आई, तुरंत उनके समर्थकों और शुभचिंतकों ने लिया। महिपाल सिंह मकराना पर हमले का आरोप करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव शेखावत पर लगा है। वहीं शिव शेखावत का आरोप है कि महिपाल ने उनके ऑफिस में आकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। खैर, इन सब के बीच एक बार फिर से राजपूत समाज दो धड़ों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। एक धड़ा शिव शेखावत के साथ है तो वहीं दूसरा धड़ा महिपाल मकराना के साथ खड़ा हुआ है। अब इस मामले में राजपूत महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया, चाहे वो महिपाल मकराना की पत्नी वर्षा हो, जिन्होंने मीडिया के सामने शिव शेखावत पर धोखेबाजी से मकराना को बुलाकर मारने की बात कही थी। वहीं अब मकराना के पक्ष में एक और राजपूत समाज के बड़े चेहरे की पत्नी आ गई हैं। राजस्थान में राजपूत समाज के दो बड़े संगठनों के नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई में अब सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की पत्नी शीला शेखावत की एंट्री हो गई। उन्होंने मकराना का पक्ष लेते हुए शिव शेखावत पर कई गंभीर आरोप लगाए। राजस्थान तक से बातचीत करते हुए शीला शेखावत ने कहा, शिव सिंह के फोन आने पर ही वो उनके घर गए और वहां जाकर उन्होंने करनी सेना के तमाम संगठनों के विलय का विरोध किया, लेकिन इसी बीच हंगामा बढ़ा तो किसी ने मकराना को थप्पड़ मार दिया और उन्हें नीचे पटक कर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। महिपाल के पास जब कोई हथियार ही नहीं था तो गोली उन्होंने कैसे चलाई? मकराना पर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए उन्होंने कहा, शिव सिंह ने समाज के संगठन के नाम पर नई दुकान खोली है। उनके संगठन का गोगा मेड़ी की करनी सेना से कोई लेना देना नहीं। समाज के नाम पर दुकानें खोलने वाले गुंडों को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए वो महिपाल सिंह मकराना के साथ खड़ी हैं। उन्हें कोई नहीं जानता, पता नहीं कौन है जो समाज के नाम पर बहरूपिया बनाकर स्वांग रच रहा है। वहीं इस मामले में राजपूत महिलाएं भी मकराना के साथ नजर आ रही हैं। मकराना की पत्नी ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान धोखे से बुलाने की बात कही थी। मकराना की पत्नी वर्षा ने मीडिया के सामने आकर आरोप लगाए कि शिव सिंह शेखावत ने मकराना को धोखे से बुलाया और फिर बुरे तरीके से पीटा। शेखावत को पता था कि मकराना अकेले आएगा, इसलिए वहां पहले से 40 लोग इकट्ठा थे। फायरिंग भी शेखावत की तरफ से की गई, लेकिन आरोप मकराना पर लगा दिए। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से अब समझौते की बात कही जा रही है, लेकिन देखना होगा कि ये मामला शांत होता है या फिर नहीं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।